हेलो हाय फ्रेंड। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और पता, आज मेरे हस्बैंड मेरे बारे में कुछ बोलने वाले हैं और मुझे भी नहीं पता क्या बोलेंगे। वो अच्छा बोलते हैं कि बुरा बोलते हैं, तो चलिए सुनती हूँ उनकी कुछ बातें। हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे। हम यही दुआ करेंगे कि आप जितने भी हमारे सबसे बड़े व्यूवर्स हैं, सब अच्छे रहें, सब सुखी रहें। बस यही दुआ करते हैं हम भगवान से। और मैं ये आज ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि अपने आप को इतना भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मेरी मिसेस, जो मेरी पत्नी है, वो मेरी इतनी बड़ी बीमारी में जो मेरा साथ दे रही है। आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो इतना साथ देते हैं। अक्सर इतनी बड़ी बीमारी जिसकी किडनी दोनों ख़राब हो जाए, समझ लो टोटल वो लाचार हो जाता, कोई काम का नहीं हो जाता, कोई मेहनत का काम नहीं कर सकता और अपना खुद का काम नहीं कर पाता सकता वो, ना कहीं जिसका डायलिसिस चल रहा हो हफ्ते में 2 दिन, उसकी क्या परिस्थिति होगी ये वो ही जानता है। लेकिन मेरी मिसेस, मेरी धर्म पत्नी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग भी सब देख रहे हैं कि मेरा डायलिसिस होता है, मेरी पूरी देखभाल कर रही, मेरे छोटे बच्चे को भी उतना ही देखना, और घर का काम, और फिर अपने पर वो वीडियो बनाना, कितना काम है। कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान मुझे इतनी बड़ी बीमारी क्यों दी कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, लोगों से मदद भी मांग रही है, उसके बाद भी बहुत से लोग उसको इतना भला बुरा कहते हैं, फिर भी वो सब कुछ सहन कर रही है क्योंकि वो उसको मुझे ठीक करना है। मेरे लिए वो इतना सब कुछ कह सह रही है कि लोगों की बातें, लोग कमेंट्स कर जाते हैं, अच्छी हर चीज़ में परेशान रहती है वो, मेरे भी दवाई, मेरा परहेज का खाना, सब कुछ, उसके बाद बच्चे को भी देखभाल, उससे ही परेशान रहती है, घर के कामों में भी काम करती है, सब कुछ, यानी कहना चाहिए मैं देखता रहता हूँ सुबह से रात तक, वो बेचारी काम करती रहती है। अभी कोई उम्र नहीं थी, अभी कोई शादी की हमारी बहुत ज़्यादा वो नहीं थी कि कोई ज़्यादा उम्र हो गई है कि इस उम्र में इंसान जो धर्म पत्नी सेवा करती है, वो 3 ही साल शादी की हुए थे। अभी हमारे 3 साल में अभी हमने कुछ देखा ही नहीं, दुनिया में कुछ देखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं 3 साल में, इतना कुछ अभी कुछ देखा नहीं है हमने, ना खुशियों के पल अभी हमने अच्छे से, हमारा बेटा भी अभी बिल्कुल, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, ना मैं कुछ ऐसा कुछ, मेरे कुछ ऐसे ऐप थे कि जो इस कारण मुझे कुछ, मैं तो खुद एक NGO, एक नशा मुक्ति में जॉब करता रहा है, मैं लोगों को खुद नशा के लिए मना करता रहा, छुड़वाता रहा लोगों का नशा, ये सब बहुत गंदी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं खुद बहुत भगवान को क्या बोलूँ, मैं बहुत परेशानी है मेरी, और मेरी बीवी इतना कर रही है मेरे लिए, आज के समय में कोई नहीं करता इतना, फिर भी बेचारी क्या बताएं, बहुत परेशान रहती है। वो यूट्यूब में भी वीडियो अपना, लोगों से बात करना, सब कुछ कहना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक वो बहुत परेशान रहती है। मेरा बेटा भी छोटा है, मेरा बेटा भी कितना उधम करता है, उसको भी देखना, खाना बनाना, ये सब अकेले लोग, और हमारा कोई साथ तो दे नहीं रहा है कि हमारे माँ बाप लोग हमारे साथ दे रहे हैं, कि हमारे साथ रह रहे हैं, तो हमें कुछ सपोर्ट मिले, कोई सपोर्ट नहीं है, अकेले बस आप ही लोगों को भरोसा है। यूट्यूब आप लोगों की मदद मांग रही हैं कि इसमें कम से कम हमारा इलाज हो जाए, ठीक हो जाऊँ मैं, फिर से अपनी पहले जैसी लाइफ कम से कम जाने लगूँ, अपना काम धाम बढ़िया चालू कर चालू जाने लगूँ। ये सब बस आप लोगों की दुआ है और आप लोगों से मदद की उम्मीद रख रहा हूँ मैं, छोटी बड़ी जो उम्मीद में है, मदद है, करण बन जाए कम से कम, तो इसलिए मुझे गर्व महसूस होता है अपनी पत्नी में कि आज के समय में कोई ऐसा कर रहा नहीं। तो कई लोग तो ऐसे हैं कि जो अपने पति को छोड़ के चले जाते हैं, कई के घर वाले साथ नहीं देते इतनी बड़ी बीमारी में, तो मेरी धर्म पत्नी बहुत साथ में मेरे दोस्त पढ़ता रहा 8 साल पहले, उसे 6-7 साल हो गए थे, किडनी ख़राब हो गई थी, दोनों किडनी ख़राब हो गई थी, अभी 4-5 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी वो भी मेरे साथ का दोस्त था, उसका भी डायलिसिस होता रहा, अभी ख़त्म हो गया वो, मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मुझे भी डर लगा रहता है मैं डायलिसिस कब तक करवाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि डायलिसिस मालूम है कितना, बिल्कुल लास्ट स्टेज डायलिसिस होता है, उसमें मुझे मालूम है ना मेरे शरीर में
ब्लड बनता है, ब्लड का इंजेक्शन लगाओ, जितना अपन ब्लड इंजेक्शन लगवाते हैं वो डायलिसिस में पूरा ब्लड निकल जाता है, ब्लड ही नहीं बढ़ता है, कमजोरी तो आएगी। कितना हूँ आयरन इंजेक्शन ब्लड इंजेक्शन लगवाऊँ, इसलिए दुख लगता है मुझे कभी कभी कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मेरा लड़का मेरा बेटा भी अभी बहुत छोटा है, कल अकेले मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा इन लोगों को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई साथ देने वाला नहीं है, इसलिए मुझे क्या डर सा लगा रहता है, इसलिए मैं लोगों से और ये भी मदद मांग रही हूँ कम से कम मेरा अच्छा इलाज हो जाए। बस यही मैं चाहता हूँ और लोग जो हैं जो सब कमेंट्स करते हैं, कृपया मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ भाई ऐसा मत करो हम लोगों के साथ, हम लोग तो वैसे ही परेशान हैं दुख भरे हैं। हाँ और मैं आप लोगों से ये बोलूँगी जो हमें गलत बोलते हैं और जो भी हमारे लिए कुछ भी बोल रहे हैं, तो मैं कोई जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी वीडियो में कुछ बता नहीं रही हूँ, पर आप हमारी थोड़ी सी तकलीफ़ों को समझें और कि हम किस तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। और मुझे खैर इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड का इलाज कराना है, और सिर्फ मैं यूट्यूब में भी इसी कारण आई हूँ, कोई मैं पहले नहीं आई हूँ, मेरे को 2 महीने हुआ है यूट्यूब में आए हुए, और कि ताकि मेरी मदद होगी। मैं पर अपनी कोशिश तो रोज़ बोलूँगी और कि मुझे मदद चाहिए है, अब लोग चाहे मुझे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, पर जो मुझे अच्छा बोलते हैं उनके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी, दिल से धन्यवाद बोलूँगी, और जो मुझे बुरा भी बोल रहे हैं ना मैं उनको भी धन्यवाद बोलूँगी, बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आप बुरा भी बोल रहे हैं तो आप मेरे लिए ही बोल रहे हैं अच्छा बुरा। और मैं आपको फिर से धन्यवाद बोलना चाहूँगी जो आप हमारी मदद कर रहे हैं, हमें रोज़ देखते हैं, हमें अपना टाइम हमें देते हैं, अपना भी अपना जो इतना कीमती समय हमें दे रहे हैं। तो मैं सब्सक्राइबर्स व्यूज सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे हो जो आप हमारी मदद कर रहे हो। तो चलिए ठीक है, और मैंने आज अपने हस्बैंड से बात कराई, तो मुझे भी हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी, तो पता आज मैंने क्यों बात कराई, वो मतलब कल मुझसे बोल रहे थे कि आरती इतनी मेरे लिए करती हो, इतना सब कुछ करती हो, मतलब शायद कोई करता होगा, मतलब कि उनका ये कहने का मतलब है एक एज भी होती है जिसमें पति पत्नी की सेवा करती है, पर इस एज में उनका ये कहने का मतलब इस एज में मैं उनके लिए हर वो चीज़ कर रही हूँ, मतलब अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, ये मेरे हस्बैंड को दिखाई देता है, मैं सारा टाइम उनको ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा जो ऐसे ही व्यक्ति हैं उनको कितनी देखभाल होती, फिर तो मेरे हस्बैंड डायलिसिस पेशेंट हैं और कल भी मेरे हस्बैंड का डायलिसिस है, तो हफ्ते में 2 होता है, मुझे मैं तो बहुत केयर कर रही हूँ और करती रहूँगी, और मैं ऐसी पत्नी हूँ कि मैं उनके हर दुख में भी खड़ी हूँ और सुख में भी खड़ी हूँ, कि जान है तो जहान है, और मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे, उनका इलाज होगा, सब कुछ होगा, मुझे आप लोगों पे विश्वास है और बहुत ज़्यादा विश्वास है।